Welcome back students, today we are going to start chapter 4, linear equation in two variables. Lower classes में आप linear equation in one variables पढ़ चुके हैं, मैं remind करवा दूं, जैसे for example, जहां पे भी equal का sign आ जाता है, वो equation होती है, a statement of equality is called a equation. आपने ये किया होगा, या ये किया है आपने, इस टाइप की इक्वेशंस की हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स वाई जेड जिसकी हमें वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू या हमें वैल्यू नहीं पता, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो वेरिएबल होता है, या आपने वाई में की होगी, वन वेरिएबल में की है आपने एक्स या वाई, और यहां पे हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स. जहां पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहां पे ए बी सी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स कॉन्स्टेंट, एंड ए एंड बी आर बोथ नॉट जीरो, मतलब मेन ये है हमारी, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होती है, जहां पे ए बी सी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स, और ए और बी एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3x प्लस 2y ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. फॉर एग्जांपल आपने मान लो ये लिखा हमने, अगर दोनों ये कंडीशन क्या है, a और b बोथ नॉट जीरो का मतलब है अगर a भी जीरो हो गया और b भी जीरो हो गया तो ये तो सारा जीरो हो गया ना, फिर तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में सिर्फ कॉन्स्टेंट ही रहा ना, एक्स वो पहली टर्म भी जीरो बन गई, दूसरी टर्म भी जीरो बन गई, फिर ये लीनियर इक्वेशन ना तो वन वेरिएबल में है ना टू वेरिएबल्स में, इसलिए दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए. फॉर एक एग्जांपल मैंने लिया, फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, दिस आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 4.1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन in two variables to represent this statement. ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ पेन रुपीज वाई. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास अब मैंने अभी बताया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसे होती है, अब आपके क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में कि आपको जो सिचुएशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, उससे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनानी है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा ये, द कॉस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, समझना है आपने क्वेश्चन को, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का कितना है, दुगनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर पेन की 5 है तो नोटबुक की कितनी हुई, 10 हुई, ठीक है, अगर 10 है तो पेन की, नोटबुक की कितनी हुई, 20 हो गई.
राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में। ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स। आप नोटबुक की कॉस्ट रुपीज एक्स लीजिए और पेन की कितनी लीजिए वाई। इसमें मेंशन है तो यही लेंगे, अदरवाइज आपकी मर्जी है एक की नोटबुक की कॉस्ट एक्स या वाई कुछ भी ले सकते हैं। बट यहां पे लिखा हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक रुपीज एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक माना रुपीज हमने एक्स मान लिया क्योंकि दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना दिया हुआ रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कि हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है, अब ये जो कॉस्ट है ये इसका दुगना है, एक्स दुगना है, एक्स दुगना है एक्स। देखो इधर, ये आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा है, ये जो नोटबुक है ये पेन का दुगना है। एक्स इज ट्वाइस ऑफ वाई, ऐसे ऐसे आपने छोटी छोटी स्टेटमेंट की होंगी, उनको वर्ड प्रॉब्लम में लिखा होगा। एक्स का मतलब कॉस्ट नोटबुक की, ये ट्वाइस है किसका, पेन की कॉस्ट का। x इज ट्वाइस ऑफ y। अब आपको इसको वर्ड में लिखना है, x इज का मतलब x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y, दुगना ट्वाइस ऑफ y का मतलब टू y। ये इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल्स, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस टू y इक्वल टू जीरो, विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हमारी क्या है लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में। लेट अस सी क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c = 0। हमें कुछ इक्वेशन दी हुई हुई है, हमें उसको इस फॉर्म में लिखना है ax + by + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, और हमें बताना है ए बी सी की वैल्यूज क्या होंगी। देखिए 2x + 3y = 9.35 बार, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन, सेकंड के 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2x + 3y - अब उसको हमने ax + by + c की फॉर्म लिखना है। अच्छा a हमारा ध्यान दें, a हमारा होता है x का कोफिशियंट, कोफिशियंट x के साथ जो मल्टीप्लाई है कोफिशियंट कहलाता है, y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो b है, और जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं है ना तो x है ना y है वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है c। ठीक है, तो x के साथ हमारा क्या है, ये हो गया हमारा ax, टाइप हो गई देखिए इधर ये टाइप आ गई ax + by प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसके साथ कंपेयर करें, एक्स का कोफिशियंट कितना है टू, और जो वाई का जो कोफिशियंट है कितना है थ्री, यही तो बताना था सी, जो कॉन्स्टेंट टर्म बची, समझ आया। अब सेकंड पे आ जाओ, अब ये टाइप कौन सी है इसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब x के साथ यह नंबर क्या है इतना 1, तो a हमारा कितना हुआ 1, b देखो माइनस y बाई 5 है इसका मतलब है ये, तो y का कोफिशियंट क्या हुआ माइनस 1 बाई 5, और c कितना हुआ कॉन्स्टेंट है जो माइनस 10। अब थर्ड पे आए, 6 को इधर ले आए क्योंकि राइट हैंड साइड हमने क्या छोड़ना है 0 को छोड़ना है, तो दिस इंप्लाइज माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो टाइप यानी कि कौन सी फॉर्म हो गई, फॉर्म लिख सकते हो आप, फॉर्म क्या हुई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और x के साथ जो नंबर है वो a है, a कितना हमारा माइनस 2, और b कितना है 3, और c कितना माइनस 6। ठीक है, अब इस पे आ जाएं, तो ये क्या होगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 क्योंकि x इज इक्वल टू 3y है, तो फॉर्म कौन सी हुई, अब c तो है नहीं इसमें, कांस्टेंट नहीं है ना, तो अपने आप दिखा सकते हो, देखो
एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जीरो, जीरो से क्या फर्क पड़ता है, लिखना लिखना दिखा दो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप कौन सी हुई, फॉर्म कौन सी हुई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए क्या हुआ हमारा, एक्स के साथ नंबर क्या है वन, और बी कितना हुआ वाई का कोफिशियंट, वाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है माइनस थ्री, और सी कितना हुआ जीरो। समझ आ रहा है, टू एक्स माइनस फाइव वाई, मैंने जैसे कि बोला है राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए जीरो, तो इसको ट्रांसपोज कर दो इधर लेके आ जाओ लेफ्ट में तो प्लस का हो जाएगा। अब फॉर्म कौन सी हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज टू जीरो। तो ए कितना हुआ हमारा टू, और बी कितना हुआ फाइव, और सी, सी इसमें यहाँ पे इधर की साइड हमारा कोई नंबर ही नहीं है, इसका मतलब सी हमारा जीरो है। लिख के दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूं, आप ये सिक्स पार्ट देखें, ये समझने लायक है। इसमें वाई नहीं है, इसमें वाई नहीं है, तो इट मींस आप वाई नहीं है तो इसका मतलब मैंने जीरो लिखा। देखें जीरो लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, तो जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो के क्या रहेगा, तो जीरो ही रहेगा ना, तो जीरो इंटू वाई लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं, जीरो इंटू वाई, तो जीरो ही है ना ये, तो क्योंकि क्यों लिखा जीरो इंटू वाई, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई, बी वाई बनाने के लिए लिखा हमने। तो फॉर्म टाइप कौन सी हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसके दो पार्ट्स रहते हैं, ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू जीरो, और सी इज इक्वल टू टू। समझ आ रहा भाई, अब इसके दो पार्ट्स और करवा देता हूं आपको। देखें इधर, ये हमारा सिक्स सेवंथ और एट, वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और एट पार्ट है हमारा फाइव इज इक्वल टू टू एक्स। अब देखो वाई, एक्स नहीं है इसमें, अब इसमें एक्स नहीं है तो ए एक्स को दिखाना पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं हमें, तो जीरो इंटू एक्स लिख दो, तो ये तो जीरो ही है भाई, क्या फर्क पड़ेगा। तो कौन सा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फॉर्म ये है हमारी। तो ए कितना हुआ जीरो, और बी कितना हुआ वाई के साथ कोफिशिएंट कितना वन, और सी कितना हुआ माइनस टू। अब एट पार्ट करें हम, अब फाइव को या तो राइट हैंड साइड में ले जाओ या एक्स टू एक्स को इधर ले आओ, तो फाइव माइनस टू एक्स, या मैं इधर ही ले उधर ले जाते हैं हम, टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब y नहीं है तो क्या करो, जीरो इंटो, समझ आ रहा है ना, ये जीरो इंटो y लिखोगे तो क्या फर्क पड़ना है, जीरो ही रहना है ना। तो टाइप कौन सी होगी हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो a हमारा कितना आ गया टू, और b कितना आ गया जीरो, और c कितना आ गया भाई माइनस फाइव। समझ आ रहा है ना।